से आप लोग सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हूँ। अच्छा आज मैं क्या बना रही हूँ, चलिए अजहान ही बताएगा आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मेरी मम्मा बना रही है पानी पूरी। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं पानी पूरी बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सी मजेदार सी तीखी चटनी, तीखा पानी भी और मीठी चटनी वाला जो पानी आता है वो भी, और मैं रगड़े के साथ सर्व करने वाली हूँ। यूजुअली लोग वो बूंदी डाल देते हैं और जो हरे स्प्राउट्स होते हैं, हरा स्प्राउट्स, हरा मूंग जो डाल देते हैं, मूंगमर के अंदर जो मूंग आती है वो वाली डालते हैं, मुझे वो वाली इतनी मजा नहीं आती। बट मैं तो आज बढ़िया सी जो क्लासिक वाली जो हमारी पानी पूरी कही है, गोल गप्पे कही है, और तीसरा क्या है क्या बताशे कहते हैं हमारे, आप क्या बताशी कहते हैं, मेरे को तो नहीं पता था। That's something new. या और भी कुछ कहते हैं ना, गोलगप्पे, पानी पूरी, पुचका, बताशे, ये सब आज एक ही है, वो सारा आज मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने चटनी जो कौन सी वाली थी, खट्टी मिट्टी खजूर इमली की चटनी है, वो मैंने प्रीवियसली एक दिन पहले ही बना ली है, और मैंने रगड़ा भी एक ही दिन पहले बना लिया था। तो वो दोनों चीज मैंने एक दिन पहले बना ली थी, उसकी रेसिपी मैं अभी आपको इसमें भी डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, जिन्होंने वो वाले वीडियो को देखा नहीं है, ये वाले वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा वैसे वो वाला वीडियो का नाम क्या है मालूम है, क्या नाम है? मुंबई स्ट्रीट स्टाइल दही बनाना पूरी। मुझे नाम थोड़े कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो मुंबई स्ट्रीट स्टाइल दही बनाना पूरी, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहां चेक कर लीजिएगा। बढ़िया सा बनाए, घर में बच्चे लोगों को खिलाए, फैमिली को खिलाए और मजा करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ चटनियां। ये है एक कप बटाने हैं, सफेद बटाने कहते हैं, रगड़े के लिए जो बटाने यूज होते हैं, आप अगले दिन रात को भिगा सकते हैं। मैंने सुबह में 7 बजे भिगाया था और अभी बज रहा है 1 बज रहा है, तो मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। कुछ नहीं, 2-3 पानी से धो के साफ पानी में भिगाने रख दीजिएगा। चलिए अब मैं कुकर के अंदर इसे डाल देती हूँ नितार कर, और इसमें डाल दीजिए 3 कप पानी। वैसे मैंने 1 कप रगड़ा लिया है, आप चाहें तो आधा कप ले सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बना रही हूँ, आधे कप का मैं दही बटाटा पूरी भी बना रही हूँ। वैसे वो बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। पानी डालने के बाद नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और 1/4 छोटा चक्का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसे ढक्कन ढाक दीजिए कुकर का, फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए गैस, और तकरीबन 7 से 8 सीटी खिला लीजिए। अब अगर आपने रात भर भिगाया है तो 6-7 सीटी चाहिएगी, और अगर आपने सुबह मेरी तरह भिगाया तो 7-8 सीटी चाहिएगी। मैं 8 सीटी खिला के इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद। प्रेशर अच्छा निकल जाए तो चेक कर लीजिए, अगर हो गए, देखिए देखने से ही लग रहा है प्रॉपरली माशाल्लाह हो चुके हैं। अच्छा नहीं हो तो थोड़ा सा पानी डालकर फिर से 2-3 सीटी खिलाने रख दीजिएगा। मैं अब क्या कर रही हूँ, इन्हें निकाल कर साइड पर रख देती हूँ ढककर। वैसे मैं कल बना रही हूँ तो इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। तो चलिए खजूर इमली की चटनी बना लेते हैं। ये है 1/2 कप इमली, इसको मैंने 2-3 पानी से धोकर एक पतीली में डाल दिया। ये 1 कप खजूर है, ये बिना बिज्जे किए हैं, सीडलेस है, और आप चाहें कोशिश कीजिए थोड़ा सा श्रेड करके डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास समय नहीं था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब डाल दीजिए 4 कप पानी इसके अंदर, चूल्हा चालू कर दीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो मीडियम आंच कर दीजिए। वैसे मैंने इमली ऐसे ही डाल दी है, बेटर ये रहेगा कि आप 1 कप पानी के अंदर 1 घंटे पहले इमली को भिगा के रख दें। इमली जब भीग जाए तो उसका पानी पूरा निचोड़ के गुद्दे को फेंक दें, और जो पानी जो आपको मिल रहा है इमली का वो इसमें डाल दीजिएगा। पर मेरे पास समय नहीं था, चलिए मैंने चूल्हा मीडियम आंच कर दिया, और अब इसे बार बार चलाते रहें और तब तक पकाएं जब तक हमारी जो खजूर है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके एकदम घुल नहीं जाती। अब जब आपकी सॉफ्ट हो जाए और आपको लगे कि घुल नहीं रही है तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाइएगा, क्योंकि जितनी सॉफ्ट खजूर होगी उतनी जल्दी घुलेगी। और अगर आपकी थोड़ी हार्ड खजूर है तो थोड़ा सा श्रेड करके डालिएगा इसे। ये देखिए कुछ देर में अच्छी घुल गई है, तो यहां पर मैं डाल देती हूं 1/4 छोटा चक्का चम्मच पादरा नमक, काला नमक जिसे कहते हैं, ये डाल दीजिए। 1 छोटा चक्का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, और 1 छोटा चक्का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। कम या ज्यादा ये सारी चीजें अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं।
आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर भी डाल दीजिए। वैसे 4 से 5 टेबलस्पून गुड़ डाल दीजिए। आपने गुड़ नहीं डालना है तो गुड़ का पाउडर डाल दीजिए या फिर शक्कर भी डाल सकते हैं, बेस्ट है गुड़ ही डालिए। मैं पहले 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं फिर से 3/4 कप पानी डाल देती हूँ। अगर आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। इसमें मुझे गुड़ कम लग रहा है मैंने चखा था, तो मैं अब 2-3 टेबलस्पून और ऊपर से डाल रही हूँ। सादा नमक थोड़ा सा डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और चख लीजिए, कुछ कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसे तकरीबन 5-6 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें, बार बार चलाते रहें। जब 5-6 मिनट हो जाए तो बंद कर दीजिए चूल्हा और इसे पूरी तरीके से कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब अच्छा ठंडा हो जाता है और इसे मिक्सर जार के अंदर डालकर बैचेस में पीस लीजिए। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था पीसने के टाइम पे, टोटल मैंने 1/4 कप डाला है, दोनों बार 1/8 कप 1/8 कप डाला था। 2 बैचेस में मैंने इसे पीसा है और बाकी जो पीसने के बाद इसे छान लीजिए। चलिए मैंने सारा छान लिया है, इसे बर्तन में निकाल कर कांच की शीशी में निकाल कर मैं ढककर फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने चटनी बना ली है, मैंने ज्यादा चटनी बनाई है, आपको कम बनानी है, आप चाहें तो इस जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए आधा कर दीजिए तो इसकी आधा क्वांटिटी में बन जाएगी। अच्छा अब आपको लग रही है आधी क्वांटिटी भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, ये पूरी क्वांटिटी का मैंने जो क्वांटिटी ली है पूरी का 1/4 पोर्शन ही आप मतलब इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा। जैसे 1 रुपए में चाराना जो बोलते हैं 25% मेजरमेंट लीजिएगा, ठीक है ना, पाव। तो मैंने ये बनाई, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, दही बटाटा पूरी की वीडियो में भी, कि मैं बहुत ही मूड में हूँ चाट बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये ज्यादा चटनियां बनाई है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, पानी पूरी का पानी बनाते हैं मस्त तीखा वाला। ये एक बहुत छोटी सी जूड़ी है, कोथमीर की कही है या हरे धनी की कही है, बहुत अच्छे से धो लिया, नितार कर मैंने एक बाउल में रख दिया था। मैं आपको बता देती हूँ कितनी, ये देखिए टाइटली पैक्ड है ना, आधा कप जितनी हो रही है। तो ये बस ये मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ और वो जो बराबर में रखी है वो 1/4 कप पुदीने के पत्ते हैं और उसे भी धो के मैंने रखे हैं। एक मिक्सर जार के अंदर धोई हुई और नितारी हुई ये कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, आधा इंच अदरक बारीक कटा हुआ डाल दीजिए, 1/4 कप जितनी ये धोई हुई पुदीना डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा पादड़ा नमक यानी कि काला नमक, 1.5 हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ, कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून इमली, ये इमली का गूदा है, और यहाँ पर मैं 3/4 टेबलस्पून गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो 1/2 टेबलस्पून डालें, आप चाहें तो 1/4 टेबलस्पून डालें। ये टोटल पानी 300 ml है, इसमें से मैं थोड़ा डालकर बहुत अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। जब फाइन पेस्ट एकदम अच्छे से हो जाए तो इसे छन्नी में डालकर नितार लीजिए और बहुत अच्छे से ये जो चटनी बनाई है इसका पूरा कस निकाल लीजिए। बचा हुआ 300 ml का जो पानी है वो मिक्सर जार के अंदर डालकर चलाकर फिर से इस छन्नी में डालकर अच्छे से छान लीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सारा कस निकल गया ना, तो ये मिल गया हमें तीखा पानी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के डाल दें और थोड़ी सी बूंदी डाल सकते हैं तो आप डाल दें, मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छा यहाँ जो मैंने गुड़ डाला है ना, तो ये 2-in-1 टाइप है कि थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा, स्पाइसी रहेगा, तो आप एज अ वो दूसरी चटनी की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, वो जो खट्टी मिट्टी वाली है ना इमली गुड़ की। बट अगर आपने इसमें गुड़ नहीं डालना है टोटली स्किप कर दीजिए, या फिर मेरी तरह थोड़ा सा ही डालिए बैलेंस के लिए। अब इसे ढक कर ठंडा होने फ्रिज में साइड पर रख दीजिए। मेरी प्रीवियस वाली रेसिपी में जैसे मैंने आपसे बताया कि आधा मैंने दही बटाटा पूरी में ये जो रगड़ा है इस्तेमाल कर लिया था पका हुआ, अब ये आधा रगड़ा है इसको मैंने क्या किया, फ्रिज से निकाल कर थोड़ा सा पानी डाला 1/4 कप जितना और इसे फास्ट आंच पर एक उबाल खिला लिया, एक उबाल आ गया तो ढक कर स्लो आंच पर 4-5 मिनट पकने दिया। तो ये देखिए इस तरीके से गर्मा गर्म अच्छा खोलता हुआ मुझे रगड़ा मिला थोड़ा सा ग्रेवी वाला, इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने कोथमीर डाल दी और चूल्हा बंद कर दिया। चलिए अब ये जो पूरी यहाँ है ना उसे एक एक पूरी लीजिए और इस तरीके से उंगली की मदद से बड़ा बड़ा बीच में गड्ढा कीजिए। अच्छा ये तो लोग कर लेते हैं खुद से, लेकिन मेरे घर में जरा मेरा बच्चा भी है और अरफात को भी मैं इस तरीके से प्रिपेयर करके देती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो रगड़ा पका हुआ है ना बीच में इस तरीके से पूरियों के एक एक पूरियों में इस तरीके से सारी पूरियों में भर लेती हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं क्योंकि जो खाएगा वही रगड़ा भरेगा। चलिए दस्तरखान बिछ चुका है, आइए बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरियां हैं, पूरियों के अंदर मैंने रगड़ा डाला है। आप चाहें तो मूंग डाल सकते हैं या फिर बूंदी भी डाल सकते हैं, भीगी हुई बूंदी आती है वो, लेकिन मुझे ये क्लासिक वे ज्यादा पसंद है। अच्छा आप चाहें तो बूंदी ये तीखे पानी में भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, ये तीखा पानी था। ये है
खट मीठ पानी जो हम खजूर इमली का बनाए हैं, ये है रगड़ा और ये एक्स्ट्रा पूरियां हैं। और देखकर मुझे बहुत मन कर रहा है खाने का, तो बस मैं फटाफट खा रही हूँ अब। तो चलिए ये देखिए बन चुकी है मेरी मजेदार सी चटपटी सी क्लासिक पानी पूरी, जिसमें मैं डाल रही हूँ रगड़ा मजेदार सा। तो चलिए मैंने ये रगड़े का ये बना के रखा है कुछ ही पूरी के अंदर इस तरीके से, बीच में एक हाथ उंगलियों की मदद से मारेंगे ना तो ये एक होल हो जाएगा। अब मैं आपको ये डाल के, अरे देखो तो सही, ये है मीठी खजूर इमली की चटनी। कैसी लगी? मैं थोड़ी सी अभी चटपटी बना रही हूँ। ये है बढ़िया सा पानी हमारा, पानी पूरी वाला, ये 2-in-1 है। आया बहुत ही मजेदार। तो बढ़िया से मैं तो मजेदार से मेरे क्या कहते हैं इसे, पानी पूरी, फुचका, अरफात आपके यहाँ क्या कहते हैं, गोलगप्पा और बताशे ये एंजॉय कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने पता है आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए ये लिंक्स को, ये रेसिपी के लिंक को। और अगर आप ये रेसिपी बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और लाइक करना ना भूलिएगा ये वीडियो को। और हाँ, अगर आपको और कुछ चाट की रेसिपीज चाहिए, आपको लग रहा है आपको कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैं बना लूंगी, अगर आपको कुछ याद आता है तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर बना के अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर। क्या कर रहे हो? फिर से हाजिर होंगी शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन लेट्स एंजॉय पानी पूरी। अच्छा वैसे मैंने दही बटाटा पूरी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ऑलरेडी बना चुकी हूँ वो वाली चाट, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारी पानी पूरी। माशाल्लाह।